वेलकम फ्रेंड्स, यू इंजीनियर संजीत चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ड्राइंग का टॉपिक है वो है पंप हाउस। पंप हाउस को हम कैसे ड्राइंग ड्रॉ करते हैं उसके बारे में आज हमें इस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, इसमें जो हमें पंप हाउस में पढ़ना है, सेक्शन एलिवेशन पढ़ना है, सेक्शन प्लान। ये हमारा सेक्शन एलिवेशन है और ये हमारा जो है सेक्शन प्लान है। तो आपको सबसे पहले हम सेक्शन एलिवेशन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/30 का स्केल लिया हुआ है। कोई भी वैल्यू रहेगी आप उसे 1/30 में चेंज करेंगे, या तो आप जो भी स्केल माने रहेंगे उसमें आप चेंज करके ही यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ड्राइंग को। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम पंप के बारे में बताते हैं। तो ये जो हमारा दिख रहा है, ये हमारा पंप है और ये इसकी डिलीवरी पाइप है। यहाँ पर हमें डायमेंशन दिया हुआ है 0.9 मीटर और यहाँ से यहाँ तक जो है 1.2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर है। यहाँ पर कोई हमने डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। ये हमारा पंप का हेड है। यहाँ पर हमने इसलिए नहीं डायमेंशन दिया हुआ है क्योंकि डिपेंड करता है आप किस प्रकार का पंप यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारा है, ये हमारा मेन पाइप है। मेन पाइप में सक्शन पाइप हमारा है जिससे ज़मीन से होते हुए पानी ऊपर की ओर आता है और यहाँ से डिलीवरी पाइप से पानी की फ्लो करता है। फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो डिलीवरी पाइप हमारी है वो 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो है बाहर निकली डिलीवरी पाइप है वो 1.5 मीटर है। यहाँ पर हमने लिखा भी आप देख सकते हैं। और जो मेन पाइप हमारा है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है हमारी है, यानी जो मेन पाइप हमारा व्यास रहेगा वो हमारा है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है। अब ये आप देखेंगे तो ये हमारा मोटर कंक्रीटिंग ब्लॉक है। ये हमारा मोटर कंक्रीटिंग किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है 120 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है और इसकी जो गहराई है 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद फिर 60 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक चौड़ा है और यहाँ तक 10 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है और यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे स्केल में चेंज कर लेंगे, इसके बाद ही आप ड्राइंग को बनाइएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले आप इसे स्केल में चेंज करते जाइएगा, उसके बाद ही आप ड्रॉ करते जाइएगा। अब आपको बताते हैं हाउस के बारे में। तो ये हमारा हाउस हो गया। सबसे पहले हम आपको फाउंडेशन बताते हैं। तो फाउंडेशन जो हमारा है ये 50 सेंटीमीटर यहाँ से अधिक चौड़ा है, जो कि ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है 50 सेंटीमीटर यहाँ से अधिक चौड़ा है और इसकी जो ऊँचाई है ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो इसकी ऊँचाई दी हुई 90 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर हमें लिखा भी है। ये हमारा इसकी जो चौड़ाई रहेगी 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी हाइट रहेगी वाल की वो 3 मीटर रहेगी यहाँ से यहाँ तक टोटल। यहाँ पर हमने डोर लगा दिया हुआ है दरवाज़ा अंदर जाने के लिए पंप हाउस में। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने सनसेट दे दिया हुआ है, जो कि सनसेट का हमारा थिकनेस जो है 10 सेंटीमीटर के हमारा सनसेट है। अब आते हैं इस साइड, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर कंक्रीटिंग किया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंक्रीटिंग किया हुआ है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे दोनों, ताकि जो हमारा डिलीवरी पाइप है वो अपने स्थान से हिले डुले ना। इसके लिए हमें 10-10 सेंटीमीटर का ऊपर और नीचे कंक्रीटिंग किया हुआ है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर विंडो लगा दिया हुआ है और विंडो के ऊपर हमने फिर सनसेट लगा दिया हुआ है। जैसे हमने डोर में लगाया वैसे विंडो में लगाया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। अब सबसे यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का हमने स्लैब दे दिया हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर का हमारा ये जो स्लैब थिकनेस जो है RCC स्लैब वो 10 सेंटीमीटर का है, 1:4 रेशियो का हमारा ये। और यहाँ पर हमने वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जगह को छोड़ दिया हुआ है। इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है वो 60 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ऊँचाई है यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिएगा ध्यान से 10 सेंटीमीटर है। वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर में लिखा भी है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर हमने एक स्लैब दे दिया हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर थिकनेस का हमें स्लैब दिया हुआ है। उसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो 100 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया सेक्शन एलिवेशन। अब आपको बताते हैं सेक्शन प्लान के बारे में। तो सेक्शन प्लान देखेंगे तो यहाँ पर आप हमारे सेक्शन प्लान बनाया हुआ है, जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है 2.3 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है 2.3 मीटर है। फिर 20 सेंटीमीटर का वॉल ऐड कर दिया हमने और इस साइड 20 सेंटीमीटर का वॉल ऐड कर दिया है। तो टोटल जो इसकी चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक 2.7 मीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये भी 2.7 मीटर ही होगी। ठीक फ्रेंड्स,
अब अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा 100 सेंटीमीटर और फिर ये दिखेगा सबसे पहले 60 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर 100 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक बना दिया है और 60 सेंटीमीटर का हमारा यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद आपको कुछ गोलाकार, ये हमारा गोलाकार जो पंप हेड है वो दिखेगा। उसके बाद मेन जो सेक्शन पाइप, उसकी सेक्शन पाइप ये आपको नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको अगर आप टॉप से देखेंगे तो फिर प्लान में आप देखेंगे ऊपर से तो ये हमारा ये दिखेगा जो कि डिलीवरी पाइप है। और यहाँ तक हमने डॉटेड किए हुए आप देख सकते हैं, हमारी डिलीवरी पाइप ही हमारी डिलीवरी पाइप हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ से तक जो बाहर निकला हुआ है हमारा 1.5 मीटर है। यहाँ पर देखिए जो हमारा बाहर निकला है डिलीवरी पाइप वही है 1.5 मीटर। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर हमने विंडो लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने डोर लगाया हुआ है। प्लान में सेक्शन इलेवन में देखेंगे तो वहाँ पर हमने विंडो और डोर लगाए हुए हैं, वही हमने 5 सेक्शन प्लान में दर्शाया हुआ है। फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 2.7 मीटर रहेगा और यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी 2.7 मीटर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पंप हाउस का सेक्शन इलेवन और सेक्शन प्लान था। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।